मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा इस बात का, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और FIR भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता है, वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है, इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेकर पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी FIR वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है, वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो CVO को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं। सर, कल आपके कार्यकर्ता हैं संदीप भारद्वाज, उनकी डेथ हुई है और अब एक तरह से BJP इकोसिस्टम इस बात को पुश कर रहा है कि टिकट के दावेदार थे और उस वजह से, क्योंकि टिकट नहीं मिला, इस वजह से सुसाइड हुआ है। बहुत दुखद है, संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको, ये गलत कर रहे हैं।